जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के साथ ही नियमित टीकाकरण और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने नेशनल हेल्थ मिशन, डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स, नियमित टीकाकरण साथ ही स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की गहनता से बिंदुवार समीक्षा की। साथ ही लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति सुनिश्चित करने सहित स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और अधिक जनोन्मुखी बनाने और गुणात्मक सुधार करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी ने गोल्डन कार्ड में सभी MOIC को आशाओं से सहयोग लेकर और बेहतर प्रयास कर गोल्डन कार्डों की प्रगति में वृद्धि करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी ने CMO को इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी MOIC को स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि डिलीवरी वाली महिलाओं को सरकारी एम्बुलेंस से उनके घर तक छोड़ा जाए, सरकार ने जो भी सुविधा दी है उन्हें उपलब्ध कराई जाए, MOIC द्वारा इस कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए। 10 फरवरी से शुभारंभ होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान को जिलाधिकारी ने सफलतापूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग, नोडल अधिकारी NHM डॉक्टर विश्राम सिंह, ACMO डॉक्टर सुनील कुमार दोहरे मौजूद रहे।